and I believe we're playing with Scout. Hello, Biro. Why you do camp boom bam? हाँ मैं सब already surprise हो गया था इस चीज़. हाँ आदि भाई. बताओ. आप कर रहे हो competitive में. Mortar के teams but वो Scout को spot करने बैठे हैं. OS ने एक net किया. Sangwan knocks. Ash वहाँ पर खत्म हो गया नियो के दौरान. Jonathan जाकर 1v4 करके आ गया. I think we're going to play PUBG on Friday. And I believe we're playing with Scout. Streamer from India. YouTuber slash streamer from India. Dr. Disney playing with... When, bhai, ye kab hua? What the fuck? Guys, ye kya hai? Free Fire ke saath khel. Dr. Disney playing with on Friday. What the fuck? Kab? Kaise? डॉक्टर डिसेसिव विल प्ले विथ यू भाई ये कब हुआ ब्रश माइक करके इंस्टा में भेज दो ऐसे स्कैम स्कैम मत करा गाइस स्कैम मैम ना करो भाई गाइस ये सच बोलना क्या सीन है भाई नहीं तो अगले बंदा खुश हो जाए और भाई हां फजला खुश हो जाए फिर स्कैम हो जाए स्ट्रीम पे देख व्हाट द फक सीरियसली अरे भाई दांत कैसे खोल रहा था गुरु के पीछे दारू अपी भाई नो दारू क्या पी रहे और बड़ी बात है ये बंदे एस के है लॉल भाई अब क्या बोलूं भाई डॉक टोल्ड इज गोइंग टू प्ले पबजी विथ यू ऑन फ्राइडे व्हाट द फक इज गोइंग टू प्ले पबजी ब्रो गाइस सी भाई अगर पबजी पीसी आई एम मैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई नूब 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 भाई मैं भाई बेइज्जती फुल होगी भाई मेरी क्या ये तो PUBG पीसी खेलने के लिए बोल रहा है भाई खेल लेंगे ठीक है खेल लेंगे ना भाई खेल लेंगे और क्या गाइस PUBG पीसी खेलेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट्स टुडे अरे बंदे बोल रहे हैं कि डॉक्टर एक्सपेक्ट ने बोला कि फ्राइडे को जरा आप खेलेगा ओके गाइस अ फैन मूवमेंट फ्रॉम माय साइड उस दिन की तरह माइक बंद रखेगा क्या नहीं नहीं उस टाइम वो इंग्लिश नहीं आता इंग्लिश नहीं बोलता ना डिबाला इतना अरे वो ऑफ स्ट्रीम बात किया था मेरे से ऑन स्ट्रीम अरे चूते तू लड़े खेल पता किसके साथ रहा था गांडू पता है तेजल खिलाड़ी डिबाला के साथ खेल रहा हूँ भाई बोलता है डिबाला के साथ खिला रहा हूँ हाँ तो आंट कर रही है हिंदी हिंदी आवाज चल रहा है मतलब भूसड़ी के शांत हो जा कॉल करता रुका हेलो बीरो व्हाई यू डू कैम बूम बम भाई कितना मेरे को ये भोसड़ी वाले पता मेरे को क्या बोले बोलते दो बंदे मतलब मादर तो होंगे दो बंदे भड़वे लोग नेट वेट खिलवा दिए तू अंदर उस टाइम से अंदर था ना घर के अंदर जब से घुसा था स्टार्टिंग से जब मैं सब ऑलरेडी सरप्राइज हो गया था इस चीज हां मैं वही सोचूं कि मैं वही सोचूं भैंचो मेरे को एक बंदा दिख रहा है एक बग्गी दिख रही है दो बंदे कैसे होंगे मैं बोला अरे मादर चो इधर इधर ही लेटा इधर ही लेटा मैं दो प्री नेट कर दिया बहुत प्री नेट हां हां बूम फटा उतरे ना जब तुम तभी नेट कर दिया अरे नेट तो फटे थे मेरे को लगा दो बंदे तो इसलिए मैं एकदम ओपन से निकला मेरे को पता था एक बंदा लेटा है बट ये मेरे को नहीं लगा था कि मेरे दो बंदे को ऑब्वियसली प्लेसमेंट ले लेंगे लेफ्ट राइट से एंगल बना के अब बेंचो मेरे को इन लोग कंफ्यूज कर दिए कि दो बंदे करके नहीं तो इजी में एक बंदा मेरे को तेरे को पहले स्पॉट कर देता जब तू अंदर गया था भाई गलत इवेंट है भाई बच्चे अरे ये इवेंट है बच्चों के लिए खेल रहे लोग सीरियसली ले जा रहे और बता आज फॉल गेस खेलेगा सर आज फॉल गेस से प्लान किया था नहीं आज नहीं आज तो कस्टम रूम्स खेलूंगा ऐसे ही बहुत ज्यादा खेल लिया फॉल गेस क्या अरे आज आज मैं फॉल गेस खेलेगा कल फॉल गेस खेल लेगा हां चल ब्रो मिलते हैं ओके हां ओके बाय बाय क्लोज है तो सही और ये जो इलाका है इस पार्क की खासकर ये हाई रिजेस वाले जो इलाके हैं आसपास के इसमें कवर आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा और आपको छुपने का इलाका बहुत ज्यादा मिलने वाला है तो अगर यहाँ पे लास्ट जोन हिट होता है तो बहुत सारी टीम प्ले जोन के बाहर भी एलिमिनेट हो सकती है क्योंकि सबको ऊपर चढ़ना पड़ेगा वाइपर दूसरे साइड पे आत्मीस के द्वारा डाउन किया गया एंड वाइपर को इंस्टेंट विश्वा के द्वारा कंफर्म कर दिया जा चुका है बट क्लच को वहां पे डायनमो को भी डाउन कर चुके हैं मॉर्टल अभी भी शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं विनोद सामने के साइड पे थे तो सही सोल की टीम हमारे मॉर्टल के टीम मॉर्टल ही बचे हैं एंड वो जोन के बाहर भी है उनको जोन के अंदर भी प्रवेश करना पड़ेगा बट वो स्काउट को स्पॉट कर बैठे
स्प्रे करने की कोशिश करते हुए कनेक्ट किया गया बुलेट, स्काउट के ऊपर भी थोड़ा बहुत डैमेज आते हुए स्काउट भी अपन रोटेशन देंगे, बट पीछे हायर रैनमो जो नॉक थे वो ब्लीड आउट हो चुके हैं। रॉक्स को भी अपन नॉकआउट कर दिया जाएगा बट जोनाथन हमारे विनोद जो भी बोलोगे उसके द्वारा नॉकआउट हो चुके हैं, बट मॉर्टल यहाँ पर बहुत थी ज्यादा खराब से शून्य फर्स्ट हो गया एंड ओआर का टीम जो वो यहाँ पर उसको पूछ करके कि जरूर लेना चाहेंगे। मॉर्टल इंतजार कर रहे थे, वो जो प्लेयर था सामने की साइड पे हमें पता है वो विनोद है बट उनको नहीं पता, वो बस इंतजार कर रहे थे कब वो निकलेंगे कब वो शॉट कनेक्ट करेंगे, शॉट कनेक्ट करने की कोशिश भी करी बट एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, प्लेयरों से ही डैमेज उनको पड़ा है। विनोदन निकलने की कोशिश कर सकते हैं, चार प्लेयर इनके जिंदा है, एक किल ही केवल निकला बट विनोदन को 1 HP पे वहां पे किस 1 HP थी उनके पास, बस सामने के साइड पे पूरी टीम स्काउट की जो स्क्वाड है वो रश करेगी। मॉर्टल अकेले 1v3 या 4 का सिचुएशन के लिए हो सकता है बट मॉर्टल की अगर आप बात करो तो यहाँ पे उन्होंने विनोद को डाउन कर दिया है, रॉक्स की बात करो तो वो भी यहाँ पे डाउन हो चुका है। स्किल फीड थोड़ा सा जल्दी है और स्क्रीन हमारा थोड़ा सा लेट है, ये चीज हमें देखने को मिल सकता है या फिर बट सामने के साइड पे और भी प्लेयर तो देखने को मिले बट सीर भी यहाँ पे मैडमन को डाउन कर चुके हैं, मॉर्टल अकेले बचे अपनी टीम से बट फाइनल शॉट यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ वीर हुआ, मॉर्टल को डाउन किया और कन्फर्म हो चुके बट विनोदन प्लेज उनके बाहर ही वो डाउन हो गए। आदि भाई आप और एक और था, एक और कोई बचा हुआ था, रॉक्स वगैरह थे। हाँ हाँ सही था वो, मतलब उन लोग की स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, वो थोड़ा सेफ एंड थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा यू नो मिक्सचर खेलते हैं इन सब चीजों का, सो वो मेरे को अच्छा लगा उन लोगों का, तो काफी कुछ सीखा है उनसे भी थोड़ा बहुत खेल के साथ में। लेकिन वो मोमेंटम जो होता है पूरा टूर्नामेंट वाला फील वो तो अलग ही होता है, नहीं वो तो अलग ही फील होता है यार, वो तो है ही। मॉर्टल का टीम यहाँ पर एक सिचुएशन फंसी को मॉर्टल ने बस प्ले कर दी, कोशिश किया नॉक निकाल पाएंगे बच गए बट उसका रिमेनिंग टीममेट शायद यहाँ पर निकाल देंगे। ओएस ने एक नेट किया एक वाइपर अकेले बच्चे अपनी टीम से फनाटिक की स्क्वाड के रश करने की कोशिश करेंगे, वाइपर नीचे के साइड पे हैं, क्या यहाँ पे क्लच सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे नहीं बट फनाटिक की जो पूरी स्क्वाड है रश करने की कोशिश करेंगे, वाइपर 1v1 लेते हुए वेज के साथ बट नहीं, फाइनल शॉट वेज का कनेक्ट हुआ डाउन किया, सोल की स्क्वाड 12th पोजीशन पे एलिमिनेट हुई बट जो नीचे प्लेयर्स थे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, गाड़ी से गिर के नॉक जरूर होते बट एक प्लेयर है जो अभी भी बचा हुआ है, फनाटिक की स्क्वाड ने पूरी तरीके से इग्नोर किया। एमजे की बात करें तो सैम को वहां पे डाउन किया, वैक्सी भी वहां पे डाउन हो गए, नियो की बात करें वो भी डाउन हो गए, इसी के साथ पूरी जो स्क्वाड थी वो एलिमिनेट हुई, यानी देखना पड़ेगा बट सुनील पाल ओपी डाउन किए गए ब्लिज़ार्ड के द्वारा, वो भी कंफर्म कर दिए गए। मैक्स काश की बात करें एक अच्छा स्प्रे का प्रदर्शन दिखाते हुए ऊपर के साइड पे आपको स्क्वाड बहुत सारी देखने को मिली और विनोदन नीचे के साइड पे आ चुके, तो फनाटिक वर्सेस विनोदन की जो फाइट है वो भी हमें देखने को मिलेगी। मैक्स काश 1v1 का सिचुएशन क्रिएट करेंगे और मैक्स काश का एक बेहतरीन स्प्रे का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ बट ऑनकोर का नेड और फाइट्स बहुत ज्यादा एंगेज हो चुकी है स्पार्क की यहां। यस बहुत ज्यादा एंगेज हो चुके, क्लच गॉड भी ऊपर नॉक है, एश ऊपर खत्म हो गए, नियो के द्वारा नियो इज वन मैन सर्वाइविंग फॉर हिज टीम एंड नियो भी ऊपर खत्म हो जाएंगे फ्रैंकी के द्वारा। भाई बैठे-बैठे ऊपर 10 किल उठा लिए ओएस के टीम, भाई अलग ही लेवल के परफॉर्मेंस देखने को मिला। फनाटिक स्क्वाड 5 किल के साथ है, तीन टीमें 8 मेंबर टोटल सर्वाइव कर रहे हैं, क्लच गॉड को स्पॉट किया गया बट फाइनली बहुत अच्छे टाइम पे क्लच गॉड वहां पे उन्होंने अपना जो सर था उसको नीचे किया और अपने आप को बचाया भी है ऊपर आने में बट थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। बट मैक्स काश की बात करें वहां पे जीगॉड के द्वारा डाउन किए गए, फनाटिक के दो प्लेयर्स इन दैट 2v3 का सिचुएशन फनाटिक वर्सेस टीम घातक की हमें देखने को मिलेगी। बाकी जो डायनेमो स्क्वाड के दो प्लेयर्स हैं वो नीचे के साइड पे Yes, अभी उन लोगों ने डश नहीं किया बट यहाँ पर पीछे एल्ट्रॉन को स्पॉट आउट किया जाएगा, एल्ट्रॉन को नॉकआउट करते हुए बट क्या नियो पर गिर जाएंगे स्लिप करके, गिर गए वो नीचे गिर हुए और देखने को मिला बट एल्ट्रॉन को रिवाइव मिला है क्या, नहीं मिला यहाँ पर 1v1 फाइट लेने की कोशिश, एमजे को नॉकआउट नहीं कर पाए एंड इसी के साथ नियो का जो पैर स्लिप किया था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जे के पास अभी भी चांस है वो कि मैच निकाल सकते हैं बट नेड आया काफी ज्यादा क्लोज, डैमेज दिया तो सही बट उतना नहीं कि नॉक हो पाए, अपने आप को हील करेंगे बाकी नहीं। फाइनल शॉट यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ, सारे प्लेयर्स नीचे के साइड पे कूद गए थे उसके बाद से अभी तक देखने को नहीं मिला बट अल्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो उन्होंने फ्रैंकी को उस नेट से डाउन किया, ओएस शॉट देने की कोशिश की, नॉक करने के कगार पे थे बट उससे पहले वो फ्लैंक मार के वहां से निकल गए और अभी फ्रैंकी को यहाँ पे रिवाइव कर दिया जाएगा, इजी रहेगा रिवाइव करना। डायनेमो की टीम वर्सेस फनाटिक एक बार फिर से हमें फाइट देखने को मिलेगी एंड अगर एलिमेंट करने के चक्कर में भी नॉक होता है तो बहुत दिक्कत होगा। एमजे ने नॉक किया मैच के इसको खत्म करते हुए, डायनेमो टीम अभी पुश करना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए खोने के लिए अभी कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, अगर इस मैच में अच्छा प्रदर्शन निकल गए तो वो दे कैन कम इन द टॉप 2 यहाँ पर देखने को मिले डायनेमो टीम की तरफ से।
बट आप देखो कि एचपी कितनी ज्यादा कम हो चुके प्लेयर्स की और वही चीज हुई भी, बट ओएस को यहाँ पे डाउन किया गया। बट बिलीफ की बात करें वहाँ पे बिनोथन के द्वारा डाउन किया गया एंड मैक्सटन भी डाउन हुए उसी नेट से। ड्रॉप्स की बात करें वहाँ पे उसको कंफर्म कर चुके एश 1v1 का सिचुएशन हैंडल करके डायनेमो को डाउन किया, एमजे को डाउन किया था फिनिश करने की कोशिश थी, बट पीछे से एक बेहतरीन कवर फायर आता हुआ अल्ट्रॉन का सामने के साइड पे एक आखिरी प्लेयर है और डाउन किए फिनिश किया बिनोथन। दूसरे साइड पे बिलीफ को डाउन कर चुके हैं, एश भी यहाँ पे डाउन हुए और इसी के साथ फनाटिक का एक आखिरी प्लेयर बचेगा फ्रैंकी डाउन हुए। ज़िग और जोनाथन एरक्लेस्ट को सुनकर जाना पड़ेगा, जोनाथन का स्प्रे देखते हुए मिला ज़िग और को नॉक हुआ उसके साथ साथ स्प्रे निकाला, बैक टू बैक तीन नॉक क्या जोनाथन ने पुश करेंगे। अगर पुश करते हैं तीन किल्स मिल सकते हैं, चार किल्स मिल सकते हैं जोनाथन बिफोर द पुश। एक एम हाथ तो स्विच कर चुके हैं पर घुसने की कोशिश करके मामा के ऊपर अभी प्रहार किया जाएगा। क्या है पर मामा वर्सेस जोनाथन, कौन निकाल के जाएगा? फाइट इंपॉर्टेंट होने वाला है जोनाथन के लिए क्योंकि उनको ऊपर जाना है एंड मामा यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देना जरूर चाहिए। धीरे धीरे करके पीछे जाने की कोशिश करते हुए एफपीवी मोड पे स्विच करते हुए यहाँ पर मामा ने डैमेज देने की कोशिश किया बट जोनाथन जाकर 1v4 करके आ गया। टीम घातक यहाँ पर जीत के गए, फर्स्ट पोजीशन है उन लोगों का। कितने पॉइंट्स से जीते वो सारे से सारे चीज हम देखेंगे। टीम ओएस तो ओएस ने तो भाई उधर ही बता दिया था कि हर जगह पर सेकंड हो रहे थे, तब सबको पता चल चुका था। अगले ओवरऑल स्टैंडिंग हमारी रेडी हो चुकी है और चलते हैं सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग पे और देखते कितना पॉइंट है यहाँ पे फनाटिक की जो स्क्वाड है वो चुक गई है 1 जस्ट पॉइंट बाकी। और किल्स अगर आप देखो, अगर पॉइंट सेम भी होते तो टीम ओएस इस टूर्नामेंट को जीत सकती थी। बहुत लोग क्या मार उसको, सोलो है और कोई नहीं दिख रहा। इसके पीछे वॉल के पीछे मेरे को तो इधर तक जोन मिल गया। इसको मारने में मैं चढ़ जाऊंगा इस पे डायरेक्ट। मारो तो घूम के हमारे पास, मैं पेट्रोल नहीं ऐसे में नहीं आ सकता डायरेक्ट। ये घर वाले को मारते हैं ना, आजो मारो ना, मेरे को मार रहे हैं, मेरी गाड़ी को मार रहा हूँ। आजो आजो घर वाले को मारना ही पड़ेगा, आजो 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 नेड़ा है नेड़ा। माचो दी भाई, अरे